स्वागत है, मैं हूं वर्षा और आज खास खबर में हम बात करेंगे सुषमा स्वराज की। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार रात को आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहने के दौरान किए गए कामों को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर सुषमा स्वराज आम लोगों की मदद के लिए हमेशा एक्टिव रहती थी। आइए आज हम आपको उन्हीं मौकों के बारे में बताते हैं। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए विदेश में फंसे लोगों की काफी बार मदद की। इसमें भारत आने या भारत से जाने के लिए वीजा न मिलने जैसी समस्याओं का समाधान उन्होंने ट्विटर पर ही किया था। मामला अगस्त 2016 का है, जब दिल्ली के रहने वाले फैजान पटेल ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज को अपनी समस्या बताई कि फैजान अपनी पत्नी सना के साथ यूरोप घूमने जा रहे थे, लेकिन टिकट और वीजा जारी होने के बाद पता चला कि सना का पासपोर्ट गुम हो चुका है, जिसके बाद सुषमा ने कदम उठाया और सना का पासपोर्ट बन गया। नवंबर 2016 को मदद की गुहार लगाने वाला शख्स था जोधपुर का नरेश तिवारी। नरेश की शादी कराची की प्रिया बचानी से तय हुई थी, लेकिन एक अड़चन थी, वीजा ना मिलना। साल 2018 मई माह में फरियादी जम्मू कश्मीर का था, जिसे पहले तो सुषमा स्वराज ने डांटा, फिर उसकी मदद की। दरअसल फिलीपींस में फंसे शेख अतीक नाम के शख्स ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भारत अधिकृत कश्मीर लिखा था, जिसके जवाब में सुषमा स्वराज ने पहले तो उन्हें समझाया कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। सुषमा की फटकार के बाद अतीक ने अपना ट्विटर बायो बदलकर जम्मू और कश्मीर किया। इस बदलाव को देखकर सुषमा ने फिलीपींस में भारतीय दूतावास को आदेश दिया कि अतीक जम्मू और कश्मीर के भारतीय हैं, प्लीज इनकी मदद की जाए। दिसंबर 2018 को पाकिस्तान की जेल में 6 साल गुजारने के बाद हामिद अंसारी भारत वापस लौटे, और ये हुआ सुषमा स्वराज की वजह से। हामिद 2012 में फेसबुक पर हुई दोस्ती के चलते पाकिस्तान चले गए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद हामिद के अगले 6 साल पाकिस्तान की जेल में ही बीते। कई सालों की कोशिश और इस मामले में सुषमा स्वराज के सक्रिय होने के बाद हामिद की वापसी हो पाई। आपको पाकिस्तान से आई गीता याद है? वही गीता जो 10-11 साल की उम्र में पाकिस्तानी रेंजर को मिली थी। 10 साल पाकिस्तान में गुजारने वाली गीता के बारे में ये साफ तौर पर नहीं पता चल पाया था कि वो पाकिस्तान कैसे पहुंची थी। गीता बोल और सुन नहीं सकती थी। सुषमा स्वराज की कोशिशों के बाद 2016 में गीता को भारत लाया जा सका था। सुषमा स्वराज जब तक विदेश मंत्री रही, तब तक एक ट्वीट पर ही लोगों की मदद करती रही। पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला सुषमा स्वराज अंतर्राष्ट्रीय अदालत ले गई। सुषमा के बात करने पर प्रसिद्ध वकील हरीश सालवे ने महज 1 रुपए की फीस लेकर इस केस की पैरवी की, साथ ही भारत को उसमें जीत भी मिली, जिसके बाद कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी रोक लगा दी। यमन में जब हूती विद्रोही और सरकार के बीच जंग छिड़ी थी, तो हजारों भारतीय वहां फंसे थे। उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वर्ष 2015 में सऊदी अरब की मदद से यमन में फंसे भारतीयों और विदेशियों को निकालने में सफलता हासिल की थी। उस दौरान यमन से 4000 से ज्यादा भारतीय और विदेशियों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। अदन बंदरगाह से 1 अप्रैल 2015 को समुद्र से इन लोगों को निकालने का काम जो 11 दिन तक चला था। सुषमा स्वराज ने दक्षिण सूडान में छिड़े गृह युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय ऑपरेशन संकट मोचन के जरिए सूडान से 150 भारतीयों को निकाला गया। इसमें 56 लोग केरल के रहने वाले थे। इसके बाद लीबिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग के दौरान 29 भारतीयों को वहां से सुरक्षित भारत लेकर आई थी। अपनी मदद की आदत को लेकर सुषमा स्वराज एक बार खुद भी ट्रोल हो चुकी हैं। ये मदद थी मुसलमान युवक अनस सिद्दीकी से शादी करने वाली हिंदू महिला तन्वी सेठ की। तब सुषमा स्वराज ने जानकारी दी थी कि जिस समय ये पासपोर्ट को लेकर विवाद हुआ था, उस दौरान वे देश से बाहर थी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों ने ट्विटर पर मदद ही मांगी है, कुछ लोगों ने तो फिजूल में परेशान भी किया। वेंकट नाम के एक शख्स ने अपने रेफ्रिजरेटर की समस्या का समाधान जब सुषमा जी से मांगा तो उन्होंने बेहद ही दिलचस्प जवाब दिया था। विदेश मंत्री ने लिखा था कि वे रेफ्रिजरेटर से जुड़ी समस्या नहीं निपटा सकते क्योंकि वे इंसानों से जुड़ी समस्या सुलझाने में व्यस्त हैं। राजनीति में इस तरह की कार्यशैली को जन्म देने वाली एकमात्र सुषमा स्वराज ही हैं। सोशल मीडिया पर उनका हाजिर जवाब अंदाज लोगों को हमेशा याद रहेगा। जब सुषमा स्वराज के जूनियर रहे एस जयशंकर ने मोदी सरकार की दूसरी पारी में विदेश मंत्री का पद संभाला तो उन्होंने सुषमा स्वराज की इस परंपरा को कायम रखने की बात कही थी। जाहिर है देश की जनता ना कभी उन्हें भूल पाएगी ना ही उनके द्वारा किए गए इस योगदान को।